Today there was massive irregularity here in Muzaffarpur constituency. Thousands of names of Muslim community members were deleted from the voter list. People in several areas, including Chandwara and Muzaffarpur, came out on the street protesting against the poll. They demanded re-polling in some areas. I am Amdal Flahi from TwoCircles.net, talking to Mr. Iqbal Sami, who is General Secretary and a spokesperson of Rashtriya Janata Dal in Bihar. What's his first reaction on this irregularity? Mr. Iqbal Sami. Bihar mein jo election commission hai, इलेक्शन कमीशन बिहार सरकार की जो जितने कलेक्टर्स हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट के जरिए बनाए गए और इसके अफसर्स वही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर्स होते हैं, वो उन जहनी तौर पर कॉमनल है और गरीबों गरीब मुखालिफ हैं। उन लोगों ने जानबूझ करके अकलियतों का वोट कम पड़े उस वोट को डिलीट किया और गरीबों का वोट भी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, इसलिए गरीबों का हरिजनों का वोट भी डिलीट किया। ये 40% के आसपास मुसलमानों का वोट मुस्लिम इलाकों में डिलीट हुआ है। इसके लिए पूरी तौर पर इस सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार के अफसर पोस्टेज हैं और चुनाव आयोग के अभी वो निर्वाचन पदाधिकारी भी वही हैं। और एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप वोटर्स जाके वोटर आवे वोट करें, जमहूरियत मजबूत होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, पर हालात ये हैं कि जब आवाम जाती है वोट डालने तो उसका उसके पास आई कार्ड होता है, उसका नाम होता है, मरकाज भी आपका डिलीट कर दिया गया। यानी मुसलमान, जिंदा मुसलमानों को यह सरकार मुर्दा डिक्लेयर कर रही है और चुनाव आयोग का सहारा लेके चुनाव आयोग फेल साबित हो रहा है। चुनाव अभी तो यही कहा जाएगा कि चुनाव आयोग ने डिलीट किया, इसका मतलब हिंदुस्तान का क्या चुनाव आयोग जिंदा मुसलमानों को मुर्दा समझता है? डिलीट करने का मतलब डेथ कर गए, यहाँ से चले गए, हम यहाँ हैं भी तो यहाँ रहते हुए हमको कहा जा रहा है तुम यहाँ के नहीं हो। तो यहाँ के नागरिक को प्रमाण पत्र देने के बाद, सर्टिफिकेट देने के बाद आप कहिए कि नहीं भैया वोटर नहीं है, इससे ज्यादा मुसलमानों के साथ मजाक इस सरकार में क्या हो सकता है? जी, मुजफ्फरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ मिस्टर जमाल कैंडिडेट थे, जो ज्वाइंट कैंडिडेट ऑफ RJD एंड LJP, और उनकी पोजीशन कितनी स्ट्रांग थी यहाँ मुजफ्फरपुर में? यहाँ लगभग 18% मुस्लिम वोटर्स हैं इस शहर में। देखिए, पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और लोजपा की लहर अभी चल रही है। हमारी आप देखेंगे कि इसी बुनियाद पे अगर मुजफ्फरपुर में जो गड़बड़ी हुई है, अगर ये सही होता तो हम जैसे 10 सीट जीत रहे हैं 11 में, ये सीट भी हम जीत गए होते। हुआ ये कि हमारे वोटर घबरा गए, बूथ पर गए थे नाम ही नहीं है, बूथ पर गए तो नाम ही नहीं है, मुसलमानों में लगा कि वोटर से हम नहीं है, मेरे गरीब वोटर्स का नाम ही नहीं था। जब 40% वोटर वोट ही नहीं डालेंगे तो ईमानदारी का चुनाव कहाँ से होगा? आज हम यहाँ लड़ाई में है, बड़े चुनाव हम 16 न जीत गए होते अगर मेरा यह वोटर्स वोट डाल दिए होता। आप एज RJD लीडर और उसके स्पोक्स पर्सन के, जनरल सेक्रेटरी के, क्या पोस्ट पोल अलायंस के फेवर में है विद कांग्रेस? हम ये जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन के बाद जो भी लोग जीतेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी जदयू के नहीं होंगे, वो एक सेक्युलर हुकूमत बनाना चाहेंगे। ऐसे तो मेरी RJD को अकेले में जीती आ रही है, मगर मैं जीती आने के बाद भी मेरे पार्टी के लीडर की कोशिश होगी कि सेक्युलर फोर्स को एक रखे और सबों को मिला के चले और बिहार एक सेक्युलर महाज रहा है और हिंदुस्तान में एक सेक्युलर ताकत मजबूत हो, उसकी कोशिश राष्ट्रीय जनता दल करती रही है। आज भी मेरी कोशिश होगी कि जो भी सेक्युलर फोर्स है, चाहे वो कांग्रेस हो, जनता दल एस हो, वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, CPM CPI हो, वो हमारे साथ हो और हम सेक्युलर मोर्चा देश को एक सेक्युलर हुकूमत जैसे है हिंदुस्तान में एक मजबूत हुकूमत हो, उसमें मुसलमानों की भी हिस्सेदारी मिले, ये हमारी कोशिश होगी। ऐसे कहने के लिए कांग्रेस भी सेक्युलर है, मगर कांग्रेस पार्टी हिस्सेदारी देते वक्त मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दे पाती है जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल देती है। राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले अपनी सरकार में असेंबली का स्पीकर मुसलमान बनाया, विधान परिषद का सभापति चेयरमैन मुसलमान बनाया, पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुसलमान बनाया, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुसलमान बनाया, 5 वाइस चांसलर मुसलमान बनाया, हमने BGO CEO कलेक्टर मुसलमान बनाए, हमने उर्दू को उर्दू लिपिक रखा, स्क्रिप्ट उर्दू रखा BPSC के एग्जामिनेशन में, जब इस सरकार ने खत्म कर दिया है। कांग्रेस से हम चाहेंगे, कांग्रेस अब जो केंद्र में है, कि सच्चर कमीशन की सिफारिश को लागू करे। हमने जो सिफारिश भेजी है कि मुसलमानों को, जो मुसलमान दलित के बराबर है और वो दलित के दर्जे में है, उसका बिहार सरकार, हमारी सरकार की हमने भेजा था कि इनको हरिजन के सब में शामिल करो, वो केंद्र के पास पेंडिंग है, उसको पास करें, उसको शामिल करें। और बिहार में जनरल मुसलमानों को हम 15% रिजर्वेशन की जो सिफारिश किया है हरिनाथ मिश्र के आयोग ने, उसको लागू करें, उसको उसमें शामिल करें। लास्ट क्वेश्चन, 15 साल तक आपकी पार्टी RJD ने यहाँ रूल किया है, उसके बाद यहाँ की जनता ने आप लोगों को बाहर निकाल दिया। अब दोबारा अगर आप पावर में आते हैं तो आप कौन सा सबक सीखा आपने अपनी हार से पिछले इलेक्शन में?
एक बात यह है कि पिछले जो हमने चुनाव हारे थे यकीनी तौर पर के उसकी बुनियादी वजह यह थी कि कहीं ना कहीं हम आपस में लड़ गए थे और हम मेरे खिलाफ एक भारी प्रोपेगेंडा भी हुआ था। हम ये समझते हैं कि अब हम जो हमसे गलतियां हुई उसको हम सुधार करेंगे और जिसका जो हकूक है उसको हम देंगे और बिहार में अकलियतों को जितनी हिस्सेदारी देनी चाहिए उससे ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने असेंबली इलेक्शन में भी मुसलमानों को 40 सीटें दी है और मुसलमानों के हकूक कहीं कम नहीं होंगे और मुसलमानों के हर बात बुनियादी बातों पर हम जहन में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो वोट है जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ फिर जुड़ा है जो हमसे पिछले लोकसभा चुनाव में हट गया था वो जुड़ा रहे वो नहीं हटे।